Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज मैं आपको बताऊंगा inclined barbell bench press के बारे में. और ये एक ऐसी compound exercise है जो आपकी upper chest को develop करने के लिए बहुत ही काम आती है. और बहुत सारे लोग इसमें इतनी सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका जो ये अपर पेक्टोरियल मसल है ये डेवलप नहीं हो पाता, एक राउंडनेस डेवलप नहीं हो पाती, एक 3D चेस्ट जो लगनी चाहिए राउंड चेस्ट वो नहीं बन पाती. तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी मिस्टेक्स बताऊंगा, सेटअप से लेकर पोस्चर से लेकर यू नो मूवमेंट से लेकर रेंज ऑफ मोशन से लेकर सारी गलतियाँ बताऊँगा ताकि आप वो गलतियाँ ठीक करें और एक सही राउंड अपर चेस्ट डेवलप कर पाएँ. राइट, सो गाइस ईद मुबारक और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सो गाइज फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे जो यूजली लोग करते हैं वो है अगेन सेटअप एंड पोस्चर की. तो सबसे पहले जब आप इंक्लाइन बेंच प्रेस में जब आप लेटेंगे सेट करेंगे इसका जो ये पिन है तो ये आपको करना है कि आपका जो ये फोरहेड है ये बार के पास हो, एग्जैक्टली बार के नीचे हो. ठीक है, ना ही बार से ऊपर होना चाहिए ना ही बार के बहुत नीचे होना चाहिए. वो इसका रीज़न ये है कि जब आप बार को रैक से अनरैक करेंगे तो बहुत पीछे से नहीं होना चाहिए. अगर वो बहुत पीछे से होगा तो उसका प्रेशर आपके शोल्डर जॉइंट्स पर पड़ेगा और बहुत आगे होगा तो उसका गिरने का खतरा रह सकता है. ठीक है, तो ये सेटअप का सबसे पहला रूल ये है कि बेंच को ऐसे सेट करना है ताकि आपका जो फोरहेड है वो बिल्कुल बारबेल के नीचे आए ताकि आपको अनरैक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. दूसरी चीज़ आती है जो मैंने आपको बेंच प्रेस में भी बताया था कि ऑलवेज रिट्रैक्ट योर शोल्डर्स. ठीक है, रिट्रैक्शन, शोल्डर रिट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चेस्ट अप, रिबकेज ओपन, कोर टाइट. राइट, तो ये पोस्चर का सेटअप का दूसरा पार्ट है. अब उसके बाद आती है 5-point touch जो मैंने आपको बेंच प्रेस में भी समझाया था. 5-point touch योर हेड, स्कैपुला विच इज़ शोल्डर ब्लेड और उसके बाद आपके बटक्स एंड देन 1-2 बोथ लेग्स. ठीक है, तो ये 5-point touch बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सही बेंच प्रेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. राइट, दूसरी मिस्टेक अक्सर लोग यहाँ पे करते हैं ग्रिपिंग की. अब ग्रिपिंग में 2 points आते हैं. पहली पॉइंट ये है कि आपकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए आपके हाथों के बीच में. तो डिस्टेंस आपका होना चाहिए शोल्डर विड्थ अपार्ट से थोड़ा सा बाहर. अगर आप अपनी जो बारबेल की ग्रिपिंग है बहुत ज़्यादा वाइड लेते हैं तो आपका वो शोल्डर में आने लगता है और शोल्डर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. दूसरी पॉइंट, आपका जो ग्रिपिंग है हाथ का वो आपका थंब इन ग्रिप होना चाहिए ऑलवेज. वो इसीलिए क्योंकि जब आप बहुत सारे लोग कूल दिखने के लिए थंबलेस ग्रिप लेते हैं बिल्कुल यूं, और चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब आप हैवी वेट लगा रहे हैं तो बार के स्लिप होने के. और एक बार अगर बार स्लिप हो गया तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही बुरी इंजरीज हो सकती हैं इससे. तो कोशिश करिए कि ऑलवेज थंब इन ग्रिप, ये बहुत ही फर्म ग्रिप होती है, बहुत ही टाइट, आपको एक स्ट्रॉन्ग फील कराती है जब आप जब भी आप बेंच प्रेस इंक्लाइंट लगा रहे हो चाहे फ्लैट बेंच लगा रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करवाती है. तो ये 2 चीज़ आपको ग्रिपिंग में ध्यान रखनी है. आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरह से आपकी लिफ्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे इन ग्रिपिंग को चेंज करने के बाद. सो गाइस तीसरी मिस्टेक अक्सर लोग यहाँ पे करते हैं आपकी पाथ ऑफ द बार और रेंज ऑफ मोशन की. पाथ ऑफ द बार मैंने आपको फ्लैट बेंच प्रेस में भी समझाया था कि किस तरह से आपका बार जो ट्रेवल करेगा वो किस पाथ में करेगा. तो बेंच प्रेस, कंपाउंड मूवमेंट, इस तरह की जो ये एक्सरसाइजेज होती हैं जब हम बारबेल से लगा रहे हैं तो उसमें हमें कोशिश करनी पड़ती है कि एक आर्क बने बारबेल का. तो वो किस तरह से होगा, जब आप बारबेल को लिफ्ट करेंगे रैक से तो बारबेल यहाँ पे होता है आपके माथे के पास. ठीक है, जब बारबेल नीचे आएगा तो वो टच होगा आपके अपर चेस्ट में. तो डिस्टेंस ट्रेवल किया बार ने थोड़ा सा, राइट, और इसी मोशन में ये जाएगा वापस ऊपर. तो सेम यही आपका पाथ ऑफ द बार होगा. एग्जैक्टली, तो इस तरह से जब आपका बार इस पाथ में ट्रेवल करेगा तब आपकी लिफ्ट स्ट्रांग होगी. अब दूसरी पॉइंट आती है इसमें रेंज ऑफ मोशन की. जिस तरह से मैंने आपको बताया रेंज ऑफ मोशन, जब आप बार को अनलॉक करेंगे तो उसके बाद पूरी तरीके से आपका जो बार है वो पूरा टच करेगा आपके अपर पैक्स को, पूरा स्ट्रेच. ऑलराइट, एंड देन इट विल गो बैक अगेन ऊपर. उसके बाद दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको अपने एल्बोज को लॉक नहीं करना है, जो मैं हमेशा बताता हूँ. ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आपके ट्राइसेप पे और जॉइंट्स पे ज़्यादा लोड आने लग जाएगा जब वेट हैवी होता है बारबेल में, तो तब आपको पता चलेगा ये. ठीक है, तो इस तरह से आप बार यहाँ तक ट्रैवल करेगा, रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर स्ट्रेच, अपर पैक्स में टच करेंगे एंड देन विल गो अप. ठीक है, स्क्वीज करेंगे आप चेस्ट ऊपर. चौथी मिस्टेक अक्सर लोग यहाँ पे ये करते हैं कि सही कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज लगाते हुए. राइट, अक्सर जब भी लोग बारबेल में बेंच प्रेस लगाते हैं तो बस वज़न उठाने के लिए लगाते हैं कि भाई 100 kg की बेंच मार दी मैंने आज, इनाम जीत लिया मैंने.
ये नहीं करना है, भले ही मैं 50 केजी ही उठाऊँ इस बेंच प्रेस में, इंक्लाइंट में या फ्लैट बेंच में, लेकिन मेरा जो मकसद है पूरी तरीके से चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का होना चाहिए हर चेस्ट की एक्सरसाइज में। हम पावर लिफ्टर्स नहीं हैं गाइज, मैं आपको पहले वक्त भी बता चुका हूँ, बॉडी बिल्डर्स हैं हम। हमारा जो मकसद है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए मसल का, भले ही वेट आपका कितना भी हो, राइट। तो देखिए, ध्यान दीजिए किस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है जब आप ग्रिप करेंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो ये आपके एल्बोज हैं ये इनवर्ड जा रहे हैं, एंड देन आपका जो ये ह्यूमरस बोन है ये चेस्ट के करीब आ रही है, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्शन आपको सही मिलेगा, राइट। क्यों? एंड देन कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट, क्यों कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट, ठीक है। अगर आप इसको फ्री छोड़ देंगे और इस तरह से बस वेट उठाना है इस मकसद से, अगर आप चेस्ट जब इंक्लाइन प्रेसेस या फ्लैट बेंच प्रेस लगाएंगे तो आप कभी भी चेस्ट को सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेस्ट की मसल को डेवलप करने के लिए, साइज़ बढ़ाने के लिए। सो गाइस, पांचवी मिस्टेक अक्सर लोग यहाँ पे ये करते हैं वो है आपकी मसल एंड माइंड कनेक्शन की। अगेन, वो सही कॉन्ट्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ ये एक पॉइंट है, वो इसीलिए क्योंकि लोग बारबेल में वज़न इतना लगा लेते हैं जिसकी वजह से आपका सही कॉन्ट्रैक्शन और सही स्ट्रेच आपको नहीं मिल पाता है। गाइज, अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम पावर लिफ्टर्स नहीं हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं। हमारा जो मकसद है इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 5 kg की डंबल से भी अगर आप सही कॉन्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं, मसल ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो कोशिश करिए कि एक सही वेट लगाइए बारबेल में जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से। आपका हर रेपिटेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि सही कॉन्ट्रैक्शन और सही स्ट्रेच आपको थ्रू आउट द सेट आपको हर रेपिटेशन में मिलना चाहिए। अगर आप 5 repetition प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ लगा रहे हैं, और लास्ट के 5 repetition आप सिर्फ इस एम से लगा रहे हैं कि आप बस वेट ऊपर करना है, तो ये आपका सही तरीका नहीं है, सही एग्जीक्यूशन नहीं है किसी भी एक्सरसाइज का, राइट। तो गाइस, इन मिस्टेक्स को आप बिल्कुल भी मत करिए और कोशिश करिए कि बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर एक प्लान के साथ आइए जिम में। बिना प्लान के साथ मुँह उठा के खाली बस मत आ जाइए कि आज चेस्ट लगानी है, दैट्स इट। एक प्लान होना चाहिए आपके पास प्रॉपर, आपके पास एक्सरसाइज कौन सी लगानी है, कितने सेट्स लगाने हैं, कौन सा वेट लगाना है, एक नोटबुक होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज इसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप डेवलप नहीं कर रहे हैं और दोष देते हैं कि मैं सारी हर चीज़ करता हूँ, एक्सरसाइज सही करता हूँ, न्यूट्रिशन सही ले रहा हूँ, फिर भी ग्रो नहीं कर रहा हूँ, यही रीज़न है, राइट। सो गाइस, मेक श्योर कि आप ये गलतियाँ ना करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड टेक केयर। जीत सलाल साइन ऑफ।